हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं निशात और आप देख रहे हैं मेरा चैनल निशात सिंपल कुकिंग। आज मैं आपको कुरकुरे कबाबी सीख बता रही हूं, या आप इसे आटे के सीख कबाब भी कह सकते हैं। बहुत ही टेस्टी और इजी होता है। मैं इसे एयर फ्रायर में बनाऊंगी, आप इसे चाहें तो ओवन में, या आप इसे अंगीठी पे भी बना सकते हैं। कुरकुरे कबाबी सीख के लिए मैंने 1.5 कप आटा लिया है, गेहूं का आटा। आधा कप मैंने दही लिया है। 1 मीडियम प्याज का को मैंने ब्राउन फ्राई कर लिया है। मैंने एक छोटी सी प्याज लिया है और अदरक का 1/2 इंच का टुकड़ा और 1 नींबू। 1 चम्मच बेकिंग पाउडर लेंगे। सूखे मसालों में मैंने लाल मिर्च पाउडर और गरम मसाला पाउडर लिया है। नमक लेंगे। 1 छोटी प्याज को मैंने बारीक काट लिया है। 1/2 कप मैंने वेजिटेबल ऑयल लिया है, आप घी भी यूज़ कर सकते हैं। ब्रेड क्रम्स लेंगे और मैदा। सबसे पहले मैं इस ब्राउन प्याज, अदरक और कच्ची प्याज, छोटी सी कच्ची प्याज का पेस्ट बनाऊंगी। मैंने ब्राउन की हुई प्याज, कच्ची प्याज और अदरक का पेस्ट तैयार कर लिया। एक बाउल में आटा डालेंगे। इसमें 1 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच गरम मसाला और नमक डालेंगे। बेकिंग पाउडर डालेंगे, मिक्स करेंगे। तेल डालेंगे, तेल अच्छा डालेंगे, देखिए इस तरह से मुट्ठी बन जाए। दही डालेंगे और ये तैयार किया हुआ पेस्ट डालेंगे। सबको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। बारीक कटी हुई प्याज भी डाल देंगे, नींबू का रस भी डालेंगे। 1 नींबू का रस डालना है। इसे अच्छी तरह से भून लेंगे। अगर आपको पानी की ज़रूरत लगे तो वो भी डाल सकते हैं। बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं होना चाहिए और बहुत सॉफ्ट भी नहीं होना चाहिए। गीले कपड़े से ढक के 10 या 15 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। 10 मिनट बाद इसे एक बार और अच्छी तरह से गूंद लेंगे। हाथ में तेल लगाएंगे और इसकी लोई से इस तरह से सीख कबाब का शेप देंगे। इसे इस तरह से भी कर सकते हैं, इस शेप का तैयार कर लेंगे। इस तरह से तैयार कर लेना है। मैदे में पानी डाल के पेस्ट तैयार करेंगे। मैदे का पतला पेस्ट तैयार कर लेंगे। सीख कबाब को इसमें डिप करेंगे। डिप करके सीख में डालेंगे। और फिर इसे इस तरह से इस पर ब्रेड क्रम्ब पे रख के इसे कोट कर देंगे। इसका आप चाहें तो इस तरह से सीख में लगा करके और इस तरह से इस पर मैदे को डाल सकती है, मैदे के पेस्ट को, फिर इस पर इस तरह से कोट कर सकती है। इस तरह से करके आप रख दीजिए। एयर फ्रायर को ऑन करेंगे, 4 मिनट के लिए इसे प्री हीट होने देंगे। 180 डिग्री पे इसे रखना है। आप चाहें तो ओवन में भी इसे बना सकते हैं। ये देखिए मैंने 180 डिग्री पे इसे रखा है। इसे निकाल के देखेंगे, ये प्री हीट हो गया है। थोड़ी ऑयलिंग करेंगे। ऐसे ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर मैंने सीख कबाब लगाया और वो थोड़ा खिसक के नीचे आई तो इसमें चिपक सकता है, इसलिए मैं इसमें थोड़ा तेल लगा दूंगी। अब सीख को इसमें लगाएंगे, इस तरह से थोड़ा टेढ़ा करके। एक बार में मैंने 5 सीख लगाई है। इसे ओवन में, इसमें एयर फ्रायर में डालेंगे।
10 मिनट के लिए से इसका टाइम लगा देंगे 10 मिनट। इसे खोल के देखते हैं, कबाब तैयार हैं, बहुत ही कुरकुरे बने हैं, कुरकुरे कबाबी सीख तैयार हैं। आप इसे हरी चटनी या लाल चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें।